क्या लगता है ये कुत्ते का घर है या इंसान का अस्पताल है? जी हाँ, ये वीडियो देखकर थोड़ी देर के लिए आप रुकेंगे कि बिहार के अस्पतालों की स्थिति नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने ट्वीट पर कर सरकार को बताने का काम कर रहे हैं, और उन्होंने रीट्वीट किया है इस वीडियो को। और सीधे तौर पर आज एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को सीधे तौर पर कहा कि लग रहा है कि ये अस्पताल है या अस्पताल कुत्ते का है, समझ में नहीं आ रहा है, या कुत्ते को लग रहा है कि ये मेरे घर में आ गए हैं या हम इनके घर में आ गए हैं। जहां स्वास्थ्य मंत्री का घर है वहां की तस्वीर है, और ये सीधे तौर पर पूरे व्यवस्था के बारे में जानकारियां दे रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। ज़रा वो तस्वीर और बयान सुने। बड़े आम आपने देखा होगा, हमने ट्वीट भी किया था, गोली चला दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर इतना बच्चे बदतर हो गया। गया में जो हादसा हुआ, जो गरीबों पे जुर्म जो ढाया जा रहा है, बांध करके पीटने का काम किया गया, ये कुछ बालू माफिया लोग और प्रशासन के लोग मिलकर के जबरदस्ती ये कार्रवाई इन लोगों ने किया, क्या दिखाता है? लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल है, शिक्षा तो चौपट हो ही गया, और आप बताइए इतना गंभीर मामला है, हमने इसको रीट्वीट भी किया है, एक वीडियो है आप देखिए। अब ये वीडियो में क्या है, ये अस्पताल है या कुत्ते का घर है? या कुत्ता को लगता हुआ कि उसी का घर है, कुछ इंसान उनके घर में आ गए, क्या स्थिति बनी हुई है भाई? ये सुशासन है, नीतीश जी का काम बोल रहा है, ये सारा वीडियो देखिए आप लोग। और ये कहाँ का, तो सिवान जिले का, जो मंगल पांडे जी जहाँ से आते हैं ये उनके गृह जिला का। और यही नहीं, एक तो हो सफाई कर्मी जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं मरीजों का। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में ये सुशासन है कि कुशासन है या क्या है? एक तो होता है गवर्नेंस, एक होता है मतलब कि बैड गवर्नेंस, एक होता है देयर इज नो गवर्नेंस, कोई गवर्नेंस ही नहीं है, क्या स्थिति पैदा होती जा रही है पूरे बिहार में, कल को आपके भी रिश्तेदार हो सकते। तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और आपराधिक घटनाएं के बारे में सीधे तौर पर सरकार पर हमला करते हुए नजर आए। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें दस दिन उसके साथ, और देखते रहें दस दिन।